बहनों और भाइयों, इसके लिए यह निवेश केवल निवेश नहीं है, यह निवेश विकास भी लेके आ रहा है, रोजगार भी लेके आ रहा है। जैसा कि यहां पे जयपुरिया जी ने कहा अपने संबोधन में कि यहां पे पूंजी तो लगी है, गीडा प्रशासन ने उन्हें यहां पर लगभग 48 एकड़ लैंड भी उपलब्ध करवाई, लेकिन साथ साथ 1500 से लेके 2000 लोगों को यहां पे सीधे सीधे नौकरी भी प्राप्त हो रही है, जिसमें से 90% यूपी के हैं और उनमें से 70% गोरखपुर और उसके अगल बगल के युवा हैं जो यहां पर आज अपने रोजगार के साथ जुड़ रहे हैं। आप अनुमान करिए, ये युवा पहले नौकरी ढूंढने के लिए इन्हें बेंगलुरु जाना होता था, हैदराबाद जाना होता था, कोई कोलकाता जाता था, कोई मुंबई जाता था, कोई थाईलैंड जाता था, कोई सिंगापुर जाता था, कोई कई अन्य जगह जाता था। आज उनको उन्हीं के घर में नौकरी मिल रही, घर से आए और नौकरी करके फिर शाम को अपने घर में चले गए। यानी यह एक सुविधा, घर में ही हमें सुविधा देंगे, लेकिन यह सुविधा अचानक नहीं आई। गीडा का शिलान्यास 1992 में किया जा चुका था, 98 तक यहां पे उद्योग लगने का नाम नहीं ले रहा था, रोज आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, गोली चलना, लाठी चलना, यही होता रहता था। हम लोगों ने उस समय बातचीत शुरू की, संवाद बनाया, समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ किया। और आज जैसा कि आपने बताया कि पिछले 3-4 वर्ष के अंदर ही गीडा के अंदर 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है और वरुण बेवरेजेस जैसे अन्य अनेक उद्योग यहां पे लगने की तैयारी में लाइन पे खड़े हैं। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का अच्छा माहौल होता है, सुरक्षा अच्छी हो, अन्यथा अगर व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। इसलिए सुरक्षा का वातावरण यूपी के अंदर, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है जब हम लोग कहते हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, तो उन लोगों को उनकी आकाओं को बुरा लगता है, लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अपराध करना और अपराध करवाना उनका पेशा जो था उसी में वे अपना बड़प्पन मानते थे। लेकिन एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा वर्तमान सुरक्षित रहना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वर्तमान को सुरक्षित रखते हुए हम बेहतर भविष्य की कार्य योजना को आगे बढ़ाएं, और इसलिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है।